हेलो। हाँ भाई, हमें लास्ट किल स्नाइपर एलिमिनेशन करना है प्लीज। हाँ, चिकन एक्सपर्ट के टाइटल के लिए। हाँ तो और भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। अब वाकई में बहुत बुरा दिन चल रहा था, क्योंकि लगातार 8 मैच में मैं बुरी तरीके से हारा था। ऐसा होता था, लगता था जीते जाऊंगा, खूब ढेर सारे किल हो जाते थे, तो कभी पिंग की वजह से मर जाऊं, तो कभी खुद की गलती की वजह से, या फिर कभी थर्ड पार्टी हो जाऊं। तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, क्योंकि जब आप चिकन डिनर के इतने करीब पहुंचते हो और फिर हार जाते हो तो अच्छा नहीं लगता है। और 8 बार हो चुका था, मेरा आईपैड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डेड हो गया था। मतलब कभी भी मेरे को नोटिस आने वाली थी, क्योंकि 20% की नोटिस आती है ना किसी गेम में, तो समझ लो आपको 10% की भी नोटिस आएगी और 5% की भी नोटिस आएगी। तो एकदम आईपैड डेड हो चुका था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो एक और गेम ट्राई करते हैं। और एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं, एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका था। और जब भी मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ, मैं गेम खेलना बंद कर देता हूँ, क्योंकि तब आप अपना पूरा एफर्ट के साथ नहीं खेलते हो। लेकिन फिर भी एक था ना कि नहीं, एक तो जीतेंगे ही चिकन डिनर, तो इस वजह से मैंने याला गेम लगाया। और भाई इसमें भी किस्मत एकदम झंड चल रही थी, क्योंकि मैंने जब मैप देखा तो सर्कल हिसाब से बना था कि मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो था सर्कल का वो मिलिट्री बेस में था। तो मैं जल्दी से आ गया ब्रिज के ऊपर और कैंप करने लगा कि यहाँ पर अब बंदे बहुत सारे आने वाले, तो मेरे को बहुत सारा किल मिल जाएगा। लेकिन हाय रे किस्मत भाई, बंदे डैमेज लेके नोवो के पुल से आ गए, लेकिन यहाँ पर एक बंदा नहीं आया। मैं बैठे बैठे पगला गया यहाँ पर 20 मिनट। लेकिन आखिरकार किसी बंदे ने मेरी सुन ली और वो गाड़ी लेकर यहाँ पर आया। अब यहां पर मेरे को एक बार लगा कि मैंने यहां पर फिर से सिचुएशन गोड़ दी, लेकिन लकली वो बंदा रुक गया और आखिरकार मेरे को एक किल मिली। तो अब मैंने तिहाई का आंकड़ा पार करा, अब सिर्फ 11 बंदे बच रहे थे, जिसमें से एक मैं था, तो यानी 10 अपोनेंट थे मेरे लिए। और अगर मैं 10ों को मारता तब जाके मेरे 13 किल होते। तो यहां पर मैंने ये तो उम्मीद छोड़ ही दी थी कि मैं दहाई का आंकड़ा तक भी पहुंचूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था इतने लोगों को मारना, सिर्फ मैं ही थोड़ी ना हूँ मारने वाला। तो जो भी हो, मेरे दिमाग में अब एक ही बात थी कि 8 मैच से मेरे को चिकन डिनर नहीं मिला है, इस मैच में किसी भी हालत में चिकन डिनर लेना ही है, लेना है, क्योंकि बाकी सारे मैचेस की वजह से मेरी केडी की एल लग चुके थे। फिलहाल जो भी हो, यहाँ पर एक बंदा गाड़ी से आया और ज़रा देखना, इस बंदे ने इस कंपाउंड के पूरे 11 चक्कर मारे। इसने मेरे को देख लिया था, तो या तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस कोई टेक्निक यूज़ कर रहा था, या फिर मेरे को ये नूब समझ रहा था और मेरे को ट्रोल कर रहा था। अब मैं पूरे 11 चक्कर अगर आपको दिखाने लगा ना, तो आप गुस्सा आ जाओगे और गुस्सा कमेंट सेक्शन में निकाल दोगे। तो यहाँ से मैं पूरा पोर्शन काट रहा हूँ, लेकिन मानो मेरे भाई, इसने पूरा टैंक खाली कर दिया सिर्फ इस कंपाउंड का चक्कर मारने में। अब जो भी हो, ये बंदा अपना काम कर रहा था, तो मैं आराम से यहाँ पर चिल मार रहा था, मैं प्रोन हो गया, क्योंकि मेरे को पता था ये अंदर आने वाला नहीं है। लेकिन एक बंदा था जो कि आया यहां पर। अब इसको मैंने मार दिया और इसके पास से मेरे को ग्रोजा और AWM मिल गई। लेकिन वो जो बंदा जो गाड़ी से चक्कर मार रहा था, भाई सब किसी भी सूरत से रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और आखिरकार जब इन्होंने अपना 11वां चक्कर पूरा करा, तो फाइनली ये रुके। अब इस बंदे के पास भी एक रोजा थी, तो मैं बहुत ज़्यादा इसे ओपन चैलेंज नहीं देना चाह रहा था, बिकॉज किसी भी हालत में मुझे ये मैच जीतना था, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी चिकन डिनर की। तो यहाँ पर मैं आ गया, क्योंकि मेरे को पता था घर के अंदर रहूँगा तो मुझे जोन में जाने में दिक्कत होगी। तो मैंने उसकी तरफ एक स्मोक कर लिया और फिर अपने पीछे भी एक स्मोक करा, क्योंकि मेरे को ये नहीं पता था कि लास्ट वाला बंदा किधर है। और फिलहाल मेरे को इतना पता चल गया कि वो बंदा भाग के मेरे जस्ट सामने वाली दीवार पर आ गया है। तो मैंने और ज़्यादा कवर बनाए, एक नेट डाल दिया और एक नेट घर के अंदर डाल दिया, ताकि वो खिड़की से मेरे ऊपर ब्लाइंड पुश ना कर पाए। और जब सब कुछ रेडी हो गया और जैसे ही नेट फूटा, उसे कंकशन हुआ, तो यहां पर मैंने पुश कर दिया। भाई साहब बहुत चक्कर काट लिए, अब जाओ लॉबी में। फिलहाल जो भी हो, आखिरी बंदा मेरे को दिख गया था, वो एकदम स्ट्रेट खड़ा हुआ था। तो यहां पर मैं समझ गया, या तो उसके दिमाग में कोई खतरनाक प्लान है, या मेरे को स्नाइप करने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने गाड़ी ली और जल्दी से जोन में गया, लेकिन वो बंदा तो उछलने लगा। हेलो।
हाँ भाई, हमें लास्ट किल विद स्नाइपर वाला मिशन करना है प्लीज। हाँ, चिकन एक्सपर्ट के टाइटल के लिए। चिकन एक्सपर्ट में लास्ट किल मेली से, पिस्टल से, क्रॉसबो से, एआर से, एसएमजी से, इन सब से। हम सब कर लिए, मेरा स्नाइपर एआर एसएमजी बचा है। आज स्नाइपर कर लेंगे अभी ये, तो इसका सिर्फ एसएमजी एआर बचेगा, वो तो इजी है। हाँ नहीं, क्या नाम है? थैंक यू। हो सकता है कि वो बंदा मेरे से झूठ बोल रहा हो, उसे कोई टाइटल ना चाहिए हो, वो सिर्फ मैच जीतना चाह रहा हो। और ये भी बात सही है कि मेरे को चिकन डिनर चाहिए ही चाहिए था, क्योंकि आज मेरे को कोई चिकन डिनर नहीं मिला और वो चिकन डिनर मेरे हाथ से निकल गया। लेकिन सच ये है कि वो बंदा अगर चाहता तो मेरे को पहले ही मार देता, क्योंकि उसके पास MK थी, MK ऑटो फायर पे चलती है, उसके पास M4 भी थी। तो वो अगर प्रोन रहता तो हो सकता है कि वो मेरे को मार सकता था, लेकिन उसने नहीं मारा। वो मेरे पास आया, उसने मेरे से बात करी, प्लीज बोला, बाद में थैंक्स भी बोला। तो यहां पर ये मेरे लिए विन विन सिचुएशन थी। भले ही मेरे को चिकन डिनर नहीं मिला, लेकिन इस बात की मेरे खुशी है कि शायद शायद अगर वो बंदा सच में टाइटल के लिए ये सब कुछ कर रहा था तो मैंने किसी की हेल्प कर दी।